हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल पैरी द किंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कैसे आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। आज फिर आ रखे मॉर्निंग वॉक पर, और मेरी जो मैगी को है थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो गई, स्किन प्रॉब्लम। कल मेरी छुट्टी थी भाई, तो इस मैगी को थोड़ा स्किन की प्रॉब्लम हो गई है। वो कैसे हुई मैं बताऊँ। ये जब नहर में कूदती है बन्नी के साथ, तो बन्नी के साथ कूदने में क्या होता है, जो हेयर हैं उनके अंदर डस्ट फंस जाती है। रेत जो इसमें अभी नहर में आ रहा है ना, नदियों में, तो वो निकलते नहीं। हम चाहे जितना नहला लें तो वो निकलते नहीं है बाहर। तो इस करके मैंने कल परसों ध्यान दिया कि यार ये वाइट वाइट क्या हो रहा है, तो उसको जो डेंड्रफ आ गया वहाँ से, और थोड़ा स्किन में प्रॉब्लम भी आ गई थी, तो मैंने वो देखा। फिर मैंने वापस इसके बाल काट दिए। अभी दिखाता हूँ, देखो ये देख रहे होंगे इसको, जहाँ जहाँ से आपको एक थोड़ा गंजी सी टाइप दिख रही है, तो वहाँ से जो है मैंने जीरो नंबर मारा है इसको, जिससे कि बाल थोड़ा लेट आए इसके जीरो नंबर से, क्योंकि पिछली बार मैंने एक नंबर मारा था तो बाल एकदम से जल्दी आ गए थे। अब जो बाल आएंगे इसके थोड़ा लेट आएंगे, लेकिन अच्छे ही आएंगे, जैसे अब की बार भी तो अच्छे आए थे। लेकिन देख रहे होंगे थोड़ा वाइट वाइट, अगर देख पा रहे हैं तो अभी दिखाता हूँ। वो भी तो वो प्रॉब्लम आ गया है। अभी मैं इसको नहलाऊँगा, नहलाया मैंने कल भी और आज भी, तो नहला कर इसको फिर मैं थोड़ा ट्रीटमेंट दूंगा इसको, कुछ मेडिसिन एंटीबायोटिक दूंगा इसको मैं अभी घर जाकर, तो तब ये ठीक हो जाएगी। देखो कितनी पागल है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेना, ठीक है। देखो अभी जैसे एक्टिविटी कर रही हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर डॉग आप देखो, इससे पता लगता है आपका डॉग लेजी नहीं है। देखो मेरी पैरी जितनी भी मोटी है, लेकिन एक्टिव वो भी फुल है, देख रही हो कितना प्ले कर रही है। तो ये चीज़ बहुत है, ज़रूरी है डॉग के लिए। तो मॉर्निंग वॉक भी बहुत ज़रूरी है डॉग के लिए भाई। आप हमेशा आएँ, मॉर्निंग वॉक उसको दें, बहुत कंपलसरी है, क्योंकि पूरे दिन तो ये घर में ही पड़े रहेंगे। अभी ना घर पे ले आ लूँगा तो ये घर में ऐसे ही लेट जाएंगे, बस खाने के टाइम पे उठेंगे, बाकी फिर लेटे रहेंगे। लेकिन आप मॉर्निंग वॉक करा रहे हो तो इनका पूरी दिन भर की जो दिनचर्या है वो देखो पूरी हो जाएगी। हाँ बोलो बोलो भाई। यार मैं पूरा दिन जैसे आज सुबह मॉर्निंग वॉक करा देता हूँ। हाँ मॉर्निंग वॉक कराई, फिर सोता रहता है यार। सोएगा भाई, एक्टिव तो होगा। हाँ हाँ ज़्यादा लग रहा है, कम सोच रहे हो गए यार ये वॉक। यही तो सबसे बढ़िया तरीका है डॉग को पूरे दिन शांत रखने का। नहीं यार डॉग थोड़ा एग्रेसिव होना चाहिए यार। एग्रेसिव तो बन जाएगा, एग्रेसिव तो सब बनेगा जब आप उसे दिन दुनिया से अलग रखो। दिन दुनिया फिर उसको पूरा बांध के रखो। काम है ना, मतलब इतना शांत है, बिल्ली आके खाना खा जाती है इसके डिब्बे में से, ये कुछ भी नहीं कहता। तो ये बहुत ज़रूरी है इनके लिए। देखो पैरी चाहे कितनी मोटी है, लेकिन ये एक्टिव फुल है, मतलब ये खेलने से नहीं कतराती बिल्कुल भी। अभी कुछ दिन बुरी लगेगी ये मैगी, देख रहे हो जैसे ज़मीन में लेट रही है, ये भी बहुत गलत करती है। तो जब बाल थे तो इस चीज़ का इस पर नुकसान हुआ, तो इसी के कारण से मैंने इसके बाल उड़ा दिए। पैरी चल, पैरी मेरा देख रहा, तो बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें। कहाँ से लाए? अच्छा वो पार्किंग में। क्या चाहिए, क्या चाहिए? क्या हुआ? खेल ले जाओ, पैरी के पास जाओ, जाओ तो मेरे पास ही रहेगी यार। जब पैरी के साथ खेले जाओ, जाओ चलो सर यार, वो खिलाइए यार जरा। बुला सर, बुला बुला दो, बुलाए सर।
डंडी ले, डंडी डंडी कहाँ है? ढूंढ लेगी भाई, मिली नहीं सर। डब्ल्यू बोला सूफी गायक नरेश मित्र अरुण जी वाले ले आई भाई, देखो देख लिया ही मांगे, देख 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 रहा, तेरे ज़्यादा समझदार है वो, देख मुझे देगी, पता है मालिक को देगी अपने, जो ब्लाज को निशान इसके, मैंने वापस से फिर से बाल काट दिए, बाल क्यों काटे आप देख रहे होंगे, जो ये वाइट वाइट आ रहा है, ये वाइट वाइट, तो इसको क्या हुआ, ये नहर में कूद रही थी ना जब, तो इसकी स्किन में मिट्टी घुस जा रही थी, मतलब मिट्टी अंदर चली जा रही थी, तो जिस कारण से इसको इन्फेक्शन हो गया था थोड़ा सा, तो मैंने कल परसों ध्यान दिया कि क्या हो रहा है इसको, मतलब डेंडर ट्राइप का आ गया, तो ये जो दिख रहे हैं ये तो बाल काटे हुए हैं, ये कुछ नहीं है, ये वाइट वाइट देखो, ये डेंडर ट्राइप का है इसके, तो ये मिट्टी घुसने से हुआ है, तो अब ये चाहे नहर में कूदे तो ये इसका होगा, एक बार वॉश पानी डाल के साफ़ हो जाएगा, लेकिन तब क्या हो रहा था, पानी भी डाल दिया तो तब भी साफ, क्योंकि मिट्टी अंदर घुस गई, निकल नहीं रही थी, तो इस करके मैंने इसके बाल वापस से दोबारा काट दिए, हो जाएगी ठीक एक दो दिन में नॉर्मल। और ये हमारा नया भाई, नया मेंबर, टीम मेंबर आ गया, ये बहुत समझदार है, पैरी जो वाइट वाली समझदार है, हां मां बनने का एक बार, मां बनने का तो समझदार ही है। आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई भी कमेंट्स, कोई भी क्वेरीज हो, आप मुझे कभी भी कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना किसी भी, मैं उसका आपको रिप्लाई तो जरूर दूंगा। और अभी एक मैडम का मुझे मैसेज आया था, तो उन्होंने कहा कि हमारा डॉग जो खाना नहीं खा रहा है और डिलीवरी का भी टाइम जो ज़्यादा हो गया है, तो उनको मैं कहूँगा कि अगर खाना नहीं खा रहा है, डिलीवरी का टाइम है, तो हो सकता है डिलीवरी का टाइम आ रहा हो, डिलीवरी क्योंकि डिलीवरी जब डिलीवरी का टाइम नज़दीक आ जाता है तो डॉग उससे एक आध दिन पहले खाना छोड़ देता है, खाना छोड़ देता है वहाँ पर, ठीक है। और इसके बाद अगर पहले कन्फर्म कर लेना आपकी फ़ीमेल लोड है कि नहीं है, क्योंकि अगर लोड होगी उसी टाइम पे खाना बंद करेगी, अगर फुल डेज पे आ रही है प्रेगनेंसी के, डिलीवरी के सॉरी, तो उसी टाइम पे खाना बंद करेगी, अदरवाइज़ नहीं होगा ऐसा कुछ, अदरवाइज़ होगा तो गर्मी के कारण हो सकता है, बस ज़्यादा कुछ नहीं। और आपको सजेस्ट भी करूँगा, अगर डिलीवरी का टाइम ज़्यादा हो गया है तो आप प्लीज़ एक बार डॉक्टर को ज़रूर दिखा देना, क्योंकि डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें पप्पीज़ की बात है और आपके फीमेल के ऊपर भी, हेल्थ के ऊपर बहुत ज़रूरी है वो, ठीक है। और एक सर का मुझे कुछ दिन पहले मैसेज आया था, उनके पास पमेलियन थी, तो उन्होंने कहा सर हमारी 65 डेज के समथिंग हो गए, 64 डेज, तो उनको भी मैंने कहा था कि पहले आप चेक कर लो कन्फर्म है कि नहीं है, अगर कन्फर्म है तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाना, तो वो शायद उन्होंने किया, मेरी बात मानी होगी शायद उन्होंने, तो कल रात उनका मेरे पास मैसेज आया, तो उन्होंने कहा कि हमारी जो फीमेल है कमेलियन की डिलीवरी हो गई है, 2-3 बच्चे दिए शायद उसने, और कब कितने टाइम बाद दी, 68 डेज बाद, यानी कि 68 दिन बाद उसकी डिलीवरी हुई, बच्चे काफ़ी हेल्दी हैं, पप्पी अच्छे हैं, तो सब उन्हें कॉन्ग्रेचुलेसन कहूँगा मैं, ठीक है। आपका इससे अगर कोई कमेंट्स, कोई भी क्वेरीज हो, मुझे कभी भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेना, मैं उसका आपको तुरंत रिप्लाई करूँगा। और वीडियो के एंड में भी मैं कुछ लिंक दे दूँगा वीडियोज़ के, आप वो भी वीडियो चेक कर लेना, बहुत अच्छा टॉपिक पे वीडियो है वो भी, और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वीडियोस के लिंक पड़े होंगे हर एक टॉपिक पे, वो भी देख लेना। और हाँ, कल जो मैंने वीडियो डाली थी उस पे भी आप देख लेना, बहुत अच्छे टॉपिक पे वीडियो है, उसको देखना, उसका वीडियो के एंड में भी उसका मैं आपको लिंक दे दूँगा, ठीक है। तो वीडियो छोटी सी पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे मेरी वीडियो की सही नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।